माँ तोतला जो कि माँ तारा का ही एक स्वरूप है। आज माँ तोतला के संबंध में मैं आपको कुछ और जानकारी दूंगा। जैसे कि पहले भी मैंने माँ तोतला के मंत्रों के बारे में आपको जानकारी दी है और ये बताया है कि वो अनेकों प्रकार के रोगों को नाश करने वाली और अनेकों औषधियों की स्वामिनी शक्ति मानी जाती है और साथ ही साथ प्रेम की देवी भी मानी जाती है, क्योंकि वात्सल्य और करुणा की देवी तोतला है, इसीलिए इनका नाम तोतला है। तोतला का अर्थ होता है तुतलाकर बात करने वाली। जैसे माँ अपने बच्चे के साथ प्यार से तुतली वाणी बोलते हुए बात करती है, ठीक वैसे ही माँ तोतला अपने पुत्रों के साथ, अपने भक्तों के साथ तुतलाते हुए बात करती है, इसी कारण उनका नाम तोतला पड़ा है। तुतली वाणी इन्हीं के कारण प्रख्यात हुई है। और ये कहा जाता है कि ईश्वर की जब हम स्तुति, साधना और आराधना करते हैं तो हमारे शब्दों में वो दिव्यता और तेजस्विता नहीं होती जो होनी चाहिए। इसलिए हमारे तमाम मंत्र, हमारे समस्त कर्मकांड, हमारे समस्त वेद पुराण शास्त्र भगवती के सामने एक तुतलाहट ही है, और ये हमारा प्रयास एक तुतलाहट भरा प्रयास ही होता है। लेकिन माँ फिर भी विशाल हृदया होने के कारण उस तुतली वाणी को स्वीकार करती है और पुत्र के साथ उसी तुतली वाणी में बात करती है। यही महारहस्य, यही पुत्र और माता का गहन संबंध माँ तोतला के रूप में प्रकट होता है। माँ तोतला के मंत्रों को तो मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, तो आज माँ तोतला के एक दिव्य मंदिर का मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। मेरे ठीक पीछे माँ तोतला का एक मंदिर है। हालांकि ये मंदिर अभी अभी हाल ही के कुछ वर्षों में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। ये मंदिर पहले जब मैं खुद काफ़ी छोटा था आयु में, आप ये समझ सकते हैं 5-6-7 सालों से ही इस मंदिर के प्रांगण में मेरी साधनाएं हुई, मैं यहाँ घूमता था, बाल्य क्रीड़ाएं यहीं मंदिर के सम्मुख हुई है। लेकिन तब इस मंदिर की शैली ये नहीं थी। हालांकि इसी प्रकार दो छतों वाला ये मंदिर हुआ करता था, लेकिन इसके ऊपर जो ये पत्थर के स्लेट लगे हुए हैं ये इस तरह के नहीं थे। और ये जो ऊपर चांदी का कलश लगा हुआ था ये तब भी ऐसा ही था, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर इसका छत्र बड़ा था। और जब हम बचपन में यहाँ रहा करते थे तो ये बहुत सुंदर ध्वनि करता है जब मध्यम मध्यम हवाएं चलती हैं। तो ये भगवती का मंदिर है। इस मंदिर के भीतर, इस मंदिर की जो शैली है ये काष्ठ शैली है, ये काष्ठ शैली में निर्मित हुआ मंदिर है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि मंदिर का प्रांगण है, चारों तरफ इस मंदिर का एक प्रांगण है और इसके भीतर कौलाचार पद्धति से मंदिर बना है। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा अंदर दिखाऊंगा। ये प्रांगण का हिस्सा है। जब भी देवी की कोई कर्मकांड, पूजा अथवा उनके उत्सव मनाए जाते हैं तो जो देवी माता के प्रमुख पुजारी, भक्त और अन्य लोग हैं, या देवी का रथ जैसे कि एक स्टैच्यू बनाई जाती है, बड़ी मूर्ति बनाई जाती है जिसे रथ कहा जाता है, उस रथ को इसके भीतर लाकर स्थापित किया जाता है। लेकिन अधिकांश लोग यहाँ बाहर खड़े रहते हैं, यहाँ खड़े होकर ही वो बातचीत करते हैं। तो मैं आपको भीतर जाके दिखाऊंगा। ये मंदिर निर्माण की शैली, ये तब भी मंदिर निर्माण की शैली ऐसी ही थी। बस एक चीज नई है जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, वह है रंग। ये रंग जो आप इस मंदिर में देख रहे हैं ये आधुनिक रंग किया गया है। इसे प्राकृतिक रंग पर ही छोड़ देना सबसे बेहतर उपाय होता, लेकिन क्योंकि मैं लंबे समय इस गांव से दूर रहा हूँ, यहाँ के लोगों से दूर रहा हूँ और मेरा अधिक इनके साथ आना जाना, उठना बैठना नहीं रह पाया, क्योंकि मेरी अपनी स्वयं की साधनाएं थी और साधकों के साथ, शिष्यों के साथ समय अधिक व्यतीत करने के कारण समय मेरा अधिक व्यतीत हो गया। तो ये मंदिर का बाहरी प्रांगण है और इसके भीतर ये कक्ष होता है। आपने गौर किया होगा जो प्राचीन शैली के कौलाचारी घर भी हैं, उन घरों में भी जैसे ही हम दरवाजे से अंदर आते हैं तो नीचे को गहरा होता है इस प्रकार से। तो ये कम से कम 1 फुट 2 फुट 3 फुट तक इसकी ऊंचाई होती है। तो इसके भीतर ही सारा कौलाचार क्रम, पूजा पाठ सब इसके भीतर यहाँ संपन्न होता है। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एक छोटा सा पटड़ा आगे बनाया गया है। तो जो माता की रथ होते हैं, विग्रह होते हैं, वो यहाँ स्थापित किया जाता है, पूजा पाठ का सामान यहाँ स्थापित किया जाता है और जो भक्त होते हैं वो स्वयं इस प्रकार पृथ्वी पर बैठ करके
माता के साथ आराधना करते हैं। अब आप इस मंदिर प्रांगण की खूबसूरती देखिए, ऊपर मध्य में चक्र बना है जहां अब एक विद्युत का उपकरण आधुनिक लगा है, ये प्राचीन काल में नहीं था। तो यहाँ पर यह शास्त्रहार कमल दल का और पूर्णता का प्रतीक है, जिसे कुरुकुल्ला वेदी भी कहा जाता है। ये इसे बनाने का ढंग आप देख सकते हैं, और इसके चारों तरफ ऊपर से नीचे की तरफ को पिरामिड की शेप में, पिरामिड की आकृति की तरह ये बनाया गया है, जिसे हम दल कहते हैं। ये एक दल है जिसे उर्दामनाय का प्रतीक इसे कहा जाता है, उर्दामनाय दल कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक लोग इसे नहीं समझते और आप भी नहीं समझते, इसलिए मैंने पिरामिड कहा। और यहाँ नागों की प्रमुखता है ये देखिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि माँ तारा नाग कंकण केयूर हार विभूषिता है, वो नागों के हार कुंडल यहाँ तक कि करघने पाँव में जंघाओं में भी नागों को पहनती है। तो इस तरह के नाग, अर्थात ये आपको नाग दिखाई देगा, भुजंग सर्प। इस तरफ आप यदि खंभों की तरफ देखेंगे तो खंभों पर भुजंग अर्थात दूसरे जहरीले सांप जो बने होते हैं, वो सांप की आकृति इसमें बनी। मेरे ठीक पीछे माँ तोतला की भव्य प्रतिमा है, जो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। ये भगवती का द्वार है, मैं इस पात्र को हटा रहा हूँ यहाँ से। ये माता रानी की प्रतिमा है, जो भगवती की यहाँ दो प्रमुख प्रतिमाएं हैं, ये प्रथम प्रतिमा है और ये दूसरी प्रतिमा है। इसको देखने के लिए आपको जरा से यहाँ से तिरछा होकर देखना होगा। तो इसके पीछे भगवती की ये प्रमुख प्रथम प्रतिमा है, लेकिन द्वितीय प्रतिमा को थोड़ा सा इस द्वार के पीछे छिपा कर रखा जाता है। तो ये भगवती की द्वितीय प्रतिमा है। ये माँ तोतला, जो कि माँ तारा का स्वरूप है, उनका दिव्य मंदिर है, और यहाँ पर इस प्रकार से भगवती की दो मूर्तियाँ, ये प्राचीनतम मूर्तियाँ हैं, ये प्राचीन मूर्तियाँ आज भी विद्यमान हैं। और कौलाचार की एक विशेष चीज़ मैं दिखाता हूँ, जिस प्रकार से ये चित्रकला, ये कमल दल बने हुए हैं, इसे गौर से देखिए। आप इन झालरों को, हालांकि इसे झालर ही कहा जाता है, ये यहाँ पर आपको सजावट के लिए दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसका कौलाचार में बहुत गहरा अर्थ है। और ये यहाँ देखिए कि ये कौलाचार, ये जो झालर है, ये क्रमशः यहाँ तक आ रही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि बौद्ध धर्म में भी माँ तारा को पूजा जाता है, डोलमा नाम से उनकी उपासना होती है, या अन्य अन्य नामों से, ग्रीन तारा, रेड तारा, इस तरीके से उनके अनेक तरह से उनकी साधना आराधना होती है। इन डमरों को देखकर कुछ याद आया, अगर आप कभी किसी बौद्ध मंदिर में जाएंगे तो आपको वहाँ एक बड़े बड़े ड्रम धातु के बने हुए नजर आएंगे, जिनको लोग हाथों से घुमाते हुए जाते हैं, जो संख्या में 108 होते हैं, और मंदिर के चारों तरफ उनकी परिक्रमा होती है। तो ये भी पूरे मंदिर के चारों तरफ पहले हुआ करते थे, क्योंकि मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, और इन लोगों को, जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, भोले भाले सीधे साधे होते हैं, तो गहरी जानकारी नहीं होती। पहले ये मंदिर के चारों तरफ रखे गए थे, अब इन्हें हटा दिया गया है। वास्तव में इन्हीं की नकल करके उन ड्रम्स का निर्माण किया जाता है, क्योंकि ये मान्यता है कि इसका जो एक एक ये सजावट श्रृंगार का है, ये एक एक उपनिषद का प्रतीक होता है। तो 108 उपनिषद होते हैं, तो 108 इस प्रकार की झालरें मंदिर के चारों तरफ और देवी माँ के चारों तरफ लगाई जाती है, जो कि माँ तोतला, माँ तारा का एक सिंबल और प्रतीक है। और इसे घूर्णन भी कहा जाता है, घूर्णन, घूर्णन अर्थात सृष्टि का चक्र, ये अपने आप में चक्र है, इसलिए इसको घूर्णन कहा जाता है, अगर आप कौलाचार में इसकी बात करते हैं। तो ये छोटे और लघु यहाँ बनाए गए हैं, इसको विशाल काय भी बनाया जाता है, इसके नीचे तरह तरह की सजावटी वस्तुएं भी लगाई जाती हैं, चांदी की चीज़ें, धातु की चीज़ें इसके नीचे लगाई जाती हैं। लेकिन प्राचीन काल में धातु विज्ञान और धातु के इतने अधिक कारीगर उस समय नहीं उपलब्ध हुआ करते थे, तो वो केवल इतना बनाकर इसे छोड़ देते थे। तो बौद्ध धर्म में भी ये परंपरा यहीं से गई है, और इसका निर्माण करने के पश्चात उसे जब सिद्ध संप्रदाय के योगी जन, जब वज्रयान और बौद्ध धर्म के अन्य संप्रदायों का जब उन्होंने निर्माण किया, तो ये सब आगे बढ़ी। तो ये मंदिर प्रमुख मंदिर है जहाँ भगवती तोतला साक्षात विद्यमान रहती हैं, विराजती हैं। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, इसकी उसका अपना एक महत्व है, लेकिन इस मंदिर शैली और इसकी भगवती का जो विग्रह यहाँ उपलब्ध है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन असाध्य से असाध्य रोग, बुरे से बुरे रोग, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे रोग भी जिनको मनुष्य नहीं जानता, जो अभी अस्तित्व में नहीं है, जो भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे सभी रोगों को नष्ट करने की क्षमता देवी में मानी जाती है। इसीलिए माँ तोतला ही कुरुकुल्ला होती हैं, माँ तोतला ही तारा होती हैं, माँ तोतला ही वर्ण भेद में 10 महाविद्या बनती हैं।
क्योंकि वास्तव में राजराजेश्वरी, श्री विद्या, कौमारी, एक कन्या, किशोरी, किसी भी नाम से आप इन्हें पुकारिए, हैं तो सब एक ही। तो माँ तोतला का बहुत अधिक प्रचार कौलांतक संप्रदाय में है और हम कुरुकुल्ला के नाम से प्रमुखतया उनकी साधना आराधना करते हैं, क्योंकि तोतला को हम सीधे सीधे नहीं छेड़ते। इसका एक कारण है कि इन्हें, इनका एक नाम है पिशाचमुखी। पिशाचमुखी का अर्थ है अहित करने वाली, क्योंकि कभी कभी यदि हम इनके तत्वों को सही तरीके से नहीं समझते तो इनका एक मुख, जिसको पिशाचमुखी मुख कहा जाता है, वो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है और उस मुख का निर्माण सृष्टि के ह्रास, सृष्टि के पतन और सृष्टि के प्रलय के लिए हुआ है। हिमालयों में प्रत्येक स्थान पर देवी अलग अलग स्वरूपों में निवास करती है, कहीं तामसी रूप में, इसलिए दुर्गा सप्तशती तामसी के नाम से देवी का गुणगान करता है, तामसी तत्र वेदसा। तो तामसी स्वयं माँ भगवती ही है, इसलिए इनके आसपास विशेष काल में ही साधना की जाती है, विशेष ऋतु में ही साधना की जाती है। पूरे वर्ष भर आप देवी माँ की साधना नहीं कर सकते, हालांकि ये विचित्र मत है लेकिन कौलाचार है, यही तो रहस्य विद्या है। तो देवी का अद्भुत स्वरूप है। इस मंदिर की परिक्रमा पर मैं आपको ले जाता हूँ, अपने साथ दिखाता हूँ और कुछ ऐसी गोपनीय तथ्य भी बताता हूँ जो दुर्लभ है। अब मंदिर की जरा परिक्रमा करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये देखिए गौर से, ये श्रृंगार के लिए अभी लगाए गए और ये धातु के हैं, लेकिन जब मेरी बाल्यावस्था थी तो ये यहाँ नहीं थे। जो मैंने आपको अंदर घूर्णन दिखाए हैं, वही घूर्णन मंदिर के चारों तरफ थे। और बड़ी विशेष बात है कि ये घूर्णन 108 उपनिषदों का प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं और कलाओं के भी प्रतीक हैं। जब योगिनी को अर्थात देवियों को कुरुकुल्ला के चारों तरफ स्थापित किया जाता है, माँ तोतला के चारों तरफ स्थापित किया जाता है, माँ तारा के चारों तरफ स्थापित किया जाता है, तो उसका एक नियम है, आप माँ तोतला की मूर्ति अगर बनाते हैं तो उसको ऐसा नहीं है कि आपने उठा लिया और हर कहीं अपनी मन मर्जी से उठा करके रख दिया। इसका एक विधान होता है, ज़मीन पर चौकी होनी चाहिए गोबर से लिपाई की हुई, अगर नहीं है तो चटाई से बनी हुई, उस पर मखमली वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर अपनी मूर्ति को किसी उच्च लकड़ी की चौकी बनाकर स्थापित करना चाहिए। चौकी का भी विधान है, लकड़ी के की ज़मीन से 2 से 3 फुट ऊंची चौकी होनी चाहिए जिसके चारों तरफ बेदियां मतलब शिखाएं बनी हुई होनी चाहिए, उसके मध्य में ही आप देवी तोतला की प्रतिमा अथवा अन्य वस्तुओं को स्थापित कर सकते हैं। और देवी के ऊपर मंडल बनाया जाता है, कभी भी देवी बिना मंडल के नहीं विराजती, इसलिए उनके ऊपर जिस प्रकार मैंने अंदर आपको मंडल दिखाया था, गोल मंडल बनाया जाता है, उस मंडल के चारों तरफ 64 योगिनी के 64 घूर्णन बनाए जाते हैं। अर्थात देवी माँ जब विराजती हैं तो 64 कृत्याओं को, 64 शक्तियों को अपने भीतर समाहित करके ही विराजती हैं। लेकिन आपको ये मालूम तो होगा ही कि 10 महाविद्याओं में कोई भी महाविद्या हो वो बिना शिव के नहीं चलती और साथ ही बिना भैरव के नहीं चलती। जब तक इनके क्षेत्रपाल, इनके रक्षक, इनके साथ ना हो तब तक बात नहीं बनती। और आपको तो मालूम ही है कि भगवती के वीर, उनके रक्षक, सदैव सदैव उनकी रक्षा करने वाले, उनके साथ चलने वाले एक अद्भुत देवता हैं, जिनके बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया है और हमारे संप्रदाय में भी उनका बहुत विशेष महत्व है, वह है वनशिरा। वनशिरा देवता जहाँ युद्ध कला और युद्ध कला के नायक देवता हैं, महावीर महापराक्रमी हैं, दिन रात अहर्निश इस क्षितिमंडल और भूमंडल पर चलने वाले हैं और देवी माँ की अद्भुत अनुकंपा और कृपा से वो किसी का भी सर धड़ से अलग करने में क्षण मात्र की देर नहीं लगाने वाले ऐसे अद्भुत वीर योद्धा है जिन्होंने सहस्त्रों सहस्त्रों राक्षसों का वध किया है। ये हम मंदिर के पिछले प्रांगण में है, ये माता के मंदिर का पिछला हिस्सा है जो बिल्कुल स्पष्टतया साफ बनाया गया है और मंदिर भी कौलाचार पद्धति में बनता है, हालांकि अभी इन्होंने इसे आधुनिक रंग दिया, मेरे समय में ये सब नहीं था, ये सीमेंट। दुख की बात भी है कि हमारे लोग समझते नहीं हैं लेकिन भोले हैं, क्या कहा जा सकता है, ये पत्थरों से बना हुआ था, मिट्टी से इसकी लिपाई की हुई थी और बचपन में बहुत बार हमने यहीं पर नींद ली है इस मंदिर के पीछे लेट कर। तो ये हिस्सा देखिए, ये अभी भी मिट्टी से इसकी लिपाई हुई, इसमें लकड़ियाँ लगी हुई हैं क्योंकि भगवती ने ऊपर इनको ये सब करने की आज्ञा नहीं दी, यही माता रानी की अनुकंपा है। और इस पर सफ़ेद दीवार है, हालांकि इसके नीचे से एक लाल रंग का मिट्टी का एक किनारा बनता है जो कि कौलाचार प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो अब माता रानी के साथ, ये मंदिर के साथ साथ, ये यहाँ
एक छोटा सा मंदिर है, ये देवता बनशीरा का मंदिर है। हालांकि देवता बनशीरा का मंदिर ये भी नव निर्मित है, ये ऐसा नहीं था। और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये बनशीरा जी हैं और यहाँ लिखा है जय बाबे दी। अब बाबा तो हम हैं तो हमारी जय भी कर रहा है कोई आदमी, लेकिन ये किसने लगा दिया है। ये है मंदिर देवता बनशीरा जी। और डरिए मत, मेरे ऊपर दो सींग लगे हुए हैं, ये सींग बलि प्रथा के। तथा कथित रूप से लोगों का ये मानना है कि बनशीरा को बलि दी जाती है। हालांकि मेरा ये मानना है कि बलि तो बनशीरा स्वयं दुष्टों की लेते हैं, किसी निरीह पशु और जानवर की बलि देना ये शास्त्र विरुद्ध है और ये धंधा यथाशीघ्र बंद किया जाना चाहिए, ताकि देवताओं के नाम पर हम कोई इस तरह का व्यभिचार, इस तरह का कोई पातक कर्म न करें। ये देखकर आपको थोड़ा विचित्र लगेगा, यहाँ त्रिशूल हैं जो कि उनके प्रमुख प्रतीक हैं, लेकिन त्रिशूल भी विचित्र हैं। ये त्रिशूल देखिए, हालांकि ये लॉक है, इसको अनलॉक करते हैं। ये त्रिशूल टेढ़ा हो गया है, इसको पंचशूल कहा जाता है। मैंने भगवती के त्रिशूल के विषय में आपको पहले भी जानकारी दी है कि ये पंचशूल होता है, ये ऐसे ऐसे, इसको थोड़ा बल लगाना पड़ रहा है, ये इस प्रकार से खुला हुआ त्रिशूल होता है। ये भगवती का प्रतीक है और हमारे कुलांतक संप्रदाय का जो त्रिशूल होता है, जिसमें भगवती का त्रिशूल ये टूट गया, भगवती का जो त्रिशूल होता है वो ऐसे ही निर्मित होता है। ये देखिए, इस प्रकार से कमल दल की भांति त्रिशूल बनाया जाता है। ये भगवती से विशेष इच्छा की मनोकामना की पूर्ति के लिए उनके वीर भैरव को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ त्रिशूल ही त्रिशूल भरे हुए हैं और बनशीरा की एक छोटी सी मूर्ति है जो इसके नीचे दबी हुई है। बाकी इस मंदिर में आप ऊपर से लेकर चारों तरफ देखेंगे तो केवल लोहे की वस्तुएं ही अर्पित की जाती हैं। तो ये देवता बनशीरा जी का छोटा मंदिर है। तो अब भगवती के संबंध में इतना और बताना चाहता हूँ कि माँ तारा की साधना एक आम गृहस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता। उसका कारण ये है कि माँ तारा वाम मार्ग से सिद्ध होने वाली देवी है। बहुत कम योग्य गुरु या साधक ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में दक्षिण मार्ग से भगवती की अनुकंपा प्राप्त की हो। हालांकि वो दक्षिण मार्ग से कभी प्रसन्न होती नहीं है। विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि ने जब उनको दक्षिण मार्ग से सिद्ध करने का प्रयास किया तो भगवती ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि अरे ऋषियों, ये तुम क्या कर रहे हो, मैं वामा हूँ, मैं कभी भी दक्षिण पंथ से सिद्ध नहीं होती। तो उस कारण दोनों ऋषियों को फिर महाचीन में जा करके कौलाचार पद्धति से, वाम मार्गी कौलाचार पद्धति से माँ को प्रसन्न करना पड़ा था। लेकिन जब उन्हें सिद्धि मिल गई तो उन्हें एक बात पता चली कि गृहस्थ जीवन में, आम संसार में रहते हुए, साधारण सात्विक दक्षिण मार्गी कौलाचारी पद्धति से भी भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है। तब भगवती के दिव्य गोपनीय कुमारी जैसे अद्भुत स्वरूप अर्थात तोतला स्वरूप का ज्ञान उन्होंने हमारे पंथ में आगे बढ़ाया। इसलिए आप तारा को माँ तोतला के रूप में अपनी आराध्या बनाकर उनकी साधना आराधना करके तमाम वो फल प्राप्त कर सकते हैं जो कि तारा महाविद्या साधना से आपको प्राप्त होते हैं, अथवा आप देवी कुरुगुल्ला के रूप में उनकी साधना करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिरों में से एक है, लेकिन इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर विशेष तिथियों में विशेष पर्व मनाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ कुछ कृत्रिम व्यवस्थाएं आपको दिखाई देंगी मेरे पीछे। यहाँ पर लोग बैठते हैं और यहाँ पर देवी के सामूहिक नृत्य होते हैं, देवी को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रतिमा बीच में लाई जाती है, रखी जाती है, और चारों तरफ लोग कुल्लू का जो नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का नाटी, वो नाटी करते हैं और भगवती की स्तुति गायन करते उनका मेला यहाँ मनाते हैं और उत्सव यहाँ मनाते हैं। तो भगवती से देखिए, मुझे छत्र की मधुर आवाज सुनाई दे रही है, हो सकता है आपको ना सुनाई दे, और अपनी बाल्य अवस्था की याद आ रही है। इधर से आपको दिखाऊंगा, वो ऊपर हवा से झालरें हिल रही हैं, चांदी की छोटी छोटी, और बहुत सुंदर ध्वनि हो रही है। तो अब मैं आज भगवती के विषय में इतना ही बताऊंगा, क्योंकि आज मैं मंदिर प्रांगण में हूँ, तो आपको माँ तोतला के बारे में मैंने इतनी जानकारी दी है। ये उनका मंदिर और स्थान है, आप इस मंदिर और स्थान के दर्शन करने के लिए भी आ सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में ये मंदिर है और कुल्लू ज़िला के धाराखरी नामक गांव में ये मंदिर आज भी
विद्यमान है। ये नया मंदिर आपने देखा भगवती का, आप यहाँ दर्शनों के लिए आ सकते हैं और भगवती की अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि गोपनीय मंदिरों में से एक है, इसलिए आपको यहाँ भीड़ अधिक नहीं मिलेगी, लेकिन आप यहाँ बैठकर अपनी साधना संपन्न कर सकते हैं, ईश्वरी भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और भगवती की अनुकंपा से अपने दुखों का अंत करते हुए जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और देवता बंशीरा जी के भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मनोरम स्थल है। हालांकि मैं यहाँ से अब जाना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी गुरु कार्य हैं, इस राष्ट्र के कार्य हैं, इस संस्कृति के कार्य हैं, तो भगवती से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना होगा। मैं आप सबको भगवती की तरफ से अपनी ओर से अनंत आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। आपके जीवन में सुख समृद्धि की कामना करता हूँ, धन ऐश्वर्य की कामना करता हूँ, संतान सुख की कामना करता हूँ, आपके वंश की वृद्धि का और सुसंस्कारों का आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि कभी आप ऐसे स्थानों पर आकर माँ भगवती, माँ तोतला के दर्शन कर सकें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके चमत्कारों को अनुभव करते हुए जीवन को आनंदित बना सकें। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, प्रणाम।